सो हे हेलो नमस्ते सत श्रीकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे आप सब ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था अम्मी एंड मीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में बेचारी अम्मी मीरा को समझाने की बहुत कोशिश करती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मोहम्मद सही सलामत तुम्हारे पास है तो इसका कारण सिर्फ सिर्फ तुम्हारी खाला है, वो एक बुरी इंसान नहीं है, तुम उन्हें बदलने का एक मौका तो दो। लेकिन मीरा किसी की बात नहीं मानती और कहती है कि जिस औरत ने मेरी माँ को इतना हट किया हो मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, समझे तुम? और ऐसे बोल के मीरा जो अपनी मम्मा का हाथ चूमती है, कभी उनका माथा चूमती है और कहती है मम्मा प्लीज़ आंखें खोलना, देखो आपकी बेटी आपके सामने है, आपके पास है, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ मुझसे बात करो ना। तो मीरा ऐसे फुल दीवानी हुई बैठी होती है अपनी मम्मा पे, बस पागलों की तरह उन्हें देखी जा रही होती है, उनसे बातें करती रह जा रही होती है। और जब उसकी खाला मीरा को इस तरह अपनी माँ की केयर और प्यार करते हुए देखते हैं तो उसकी आंख भर आती है। वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि काश मैं एक अच्छी इंसान होती, इस नफ़रत के मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना की होती, नफ़रत की आग मेरे दिल में ना होती तो शायद आज मेरी भी एक ऐसी बेटी होती जो मुझे बहुत प्यार करती जैसे मीरा अपनी माँ को प्यार करती है। और सानिया अपनी खाला की सारी बात सुन लेती है और उठ के कहती है कि खाला मैं हूँ ना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ। तो ऐसे बोल के अपनी खाला को हक कर लेती है। लेकिन उसकी खाला कहती है तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकती हो, माफ़ भी कर सकती हो, लेकिन मीरा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसे बोल के रोते हुए वो दूसरे रूम में चली जाती है और सानिया मीरा को कहती है कि तुम्हें खाला को माफ़ करना होगा, तुम्हें उन्हें एक चांस देना होगा। लेकिन मीरा कहती है नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी मीरा की मम्मा जो है वो आंखें खोलती है, वो कहती है मैं कहाँ हूँ? मीरा जैसे अपनी माँ की आवाज़ सुनती है वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो अपनी मम्मा की तरफ भागती है, उनका हाथ पकड़ती कहती है मम्मा मैं हूँ, देखो मीरा आपकी बेटी, आप घर हो, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, देखो मैं मीरा, देखो सानिया सानिया यहाँ हूँ मम्मा के पास। तो सानिया भाग कहती कहती मम्मा आप ठीक हो ना? तो उसकी मम्मा ऐसे उठते इन दोनों को हक करती कहती मेरी बच्चियाँ तुम दोनों ठीक हो ना? तो मीरा सानिया कहती हाँ मम्मा हाँ हम ठीक है, आपको सब याद है ना, हम आपकी बेटी हैं। मैं कहती हाँ बेटा मुझे याद है तुम मेरी बच्चियाँ हो। तो ऐसे उन्हें कस के हक कर लेती है। मीरा कहती मम्मा आई प्रॉमिस, अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, मैं हूँ ना आपके पास, किसी को आपको नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगी। तो उसकी मम्मा कहती है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता बेटा, कोई भी नहीं। तो मीरा ऐसी खुश होती है, अपनी माँ को हक करती है, काफ़ी देर तक ऐसे उनके बाहों में लेटी रहती है उन्हें हक करके। और सानिया वैसे अपनी मम्मा के साथ लेटी होती है और उसकी मम्मा जो होती है ऐसे इन दोनों उनको अपने सीने से लगा के लेटी हुई होती है। और मीरा उनसे इतनी सारी बातें करती है कि मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया, अब प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो उसकी माँ कहती हाँ बेटा कभी नहीं जाऊँगी। मीरा कहती मम्मा आपको एक गुड न्यूज़ दूँ? तो उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? मीरा कहती मम्मा मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो आपने छुपाए थे। तो उसकी मम्मा कहती मिल गए तुम्हें? मीरा कहती हाँ मम्मा मुझे मिल गए, अब पापा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अब आप मैं और सानिया हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी वहाँ मीरा की नानी आ जाती है, वो कहती बेटा उठ गई तुम, हाँ तुम ठीक तो हो ना? तो मीरा की मम्मा अपनी मम्मा को देख के बहुत खुश होती है, वो उन्हें हक करती कहती हाँ माँ मैं ठीक हूँ माँ, वो मुझे आपको बताना था कि वो। तो उसकी माँ कहती शांत हो जाओ, मुझे सब पता है, उसने तुम्हें किडनैप किया था ना, वो तुम्हें फिर से हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो वो कहती नहीं माँ उसने मुझे हर्ट नहीं किया, वो मुझसे गुस्सा ज़रूर थी लेकिन गुस्से में भी उसने मुझे चोट नहीं पहुँचाया, मैंने बोला था ना वो बदल जाएगी माँ, वो बदल गई, वो एक अच्छी इंसान है, वो थोड़ा गुस्सा ज़रूर थी लेकिन उसने मुझे तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाने दी, वो चाहती थी तो मुझे वहाँ तकलीफ़ में छोड़ सकती थी लेकिन उसने मेरा पूरा ख्याल रखा, मेरी दवाइयों का ख्याल रखा, मेरे खाने पीने का ख्याल रखा, और वो अच्छी है माँ, वो बुरी नहीं है, मैंने बोला था ना मेरी बहन बुरी नहीं है, आपने और पापा ने उसे बहुत गलत समझा, वो एक अच्छी इंसान है। मीरा कहती माँ आप क्या बोल रहे हो, वो अच्छी नहीं है, उन्होंने आपको हर्ट करने की कोशिश की थी। तो उसकी माँ कहती उसने मुझे किडनैप ज़रूर किया था लेकिन उसने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, वो बस यहाँ मेरी जगह लेके आना चाहती थी, वो सिर्फ अपने प्यार को बचाना चाहती थी, वो तुम्हारे पापा से प्यार करती है। मीरा कहती हम सब जानते हैं पापा लेकिन उनके प्यार के काबिल नहीं है, वो घटिया इंसान किसी के प्यार के काबिल नहीं है। उसकी माँ कहती वो जैसे भी है तुम्हारे पापा है, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। मीरा कहती प्लीज़ मॉम जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दिया मैं उनसे नफरत करती हूँ, उन सब इंसान ने जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। उसकी माँ कहती इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेटा, हाँ हमें लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए। मीरा कहती मुझसे माफ़ नहीं होंगे वो लोग जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, समझिए आप। उसकी माँ कहती रिलैक्स, तुम तो बेटा इतना गुस्सा नहीं करती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? मीरा कहती क्योंकि मैंने अपना सब कुछ खो दिया बचपन से, ना आप थी मेरे पास ना ही डैड, कोई नहीं था मेरे पास, और अब बहुत टाइम से मुझे मेरे फैमिली मिली है, मैं ये सब दोबारा नहीं खोना चाहती। उसकी माँ कहती बेटा तुम नहीं खोगी, मैं हूँ ना, मैं हमेशा हूँ। तो आस पास की माँ मीरा को हक करती है, वो मीरा का डर अच्छे से समझ रही होती है। तभी वह आमनी आती है कहती आंटी आप ठीक हो ना? तो कहती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो अम्मी कहती है वो शायद सो गए, मैं उन्हें देख के आती हूँ। तो अम्मी उन्हें जगाने जा रही होती है, तभी मीरा की मम्मा जो है वो अम्मी का हाथ पकड़ती है, कहती बेटा आप खुश होती हैं, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। तो अम्मी कहती जी आंटी बोलो। तो कहती बेटा मुझे माफ़ कर दो। तो अम्मी कहती है आंटी आप किस बात की माफ़ी मांग रही हो? तो कहती बेटा मेरी वजह से तुम्हारे पापा की जान, सॉरी बेटा मैं उन्हें बचा नहीं पाई। अम्मी कहती है आंटी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरे पापा की जान आपने नहीं, आपके उस हस्बैंड ने ली थी, और उनसे बदला हम लेके रहेंगे, हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, बहुत जल्दी वो इंसान जेल में होगा। तो मीरा की मम्मा कहती है कि लेकिन मेरी बहन उसे जेल में नहीं जाने देगी। अम्मी कहती है अब वो बदल चुकी हैं, अब वो उनका साथ नहीं देंगी, उन्हें पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आपने सही बोला था, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं, और आपकी बहन भी बुरी नहीं है। तो आंटी अम्मी की बातें सुन के बहुत खुश होती है, उसे हक करती है, कहती चलो कि कोई तो मुझे समझा, ना माँ समझी ना ही मेरी बेटी, लेकिन तुम समझ गई, वो सच में बुरी नहीं है, वो बस प्यार की भूखी है। तो अम्मी कहती जी आंटी मैं सब समझती हूँ। तो उसके बाद आंटी जो है वो अम्मी को हक करती है और उससे कुछ बातें करती है, और मीरा ऐसे अम्मी की तरफ देख रही होती है। वो देखती है कि अम्मी को बहुत ही ज़्यादा लाइक करी होती है मीरा की मम्मी, ये देख के वो खुश भी होती है। तभी अम्मी कहती है कि आंटी मैं अभी आती हूँ मम्मा को देख के, ऐसे बोल के अम्मी वहाँ से चली जाती है। तो मीरा कहती है मम्मा मैं भी अभी आती हूँ। तो मीरा ऐसे बोल के अम्मी के पीछे जाती है, देखते हैं कि अम्मी किचन में कुछ कर रही है। तो मीरा कहती है क्या कर रही हो? तो अम्मी कहती है आंटी के लिए कुछ खाने का। तो मीरा ऐसे अम्मी का हाथ पकड़ती है, कहती जान तुमसे क्या मैं कुछ मिनट बात कर सकती हूँ? तो अम्मी कहती क्या बात करनी है? मीरा कहती है कि वो आई एम सॉरी। अम्मी बोलती किस लिए? मीरा कहती वो इतना रूड बात करने के लिए, इतना बुरा बुरा बोलने के लिए, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस गुस्से में थी, आई एम रियली सॉरी जान, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी कहती और अम्मी खाना लेके जाने लगती है। तभी मीरा उसके हाथ से खाना लेके साइड पे रखती है और ऐसे उसका हाथ थामती है, कहती माफ़ नहीं करोगी? अम्मी कहती किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हो तुम, जब तुम्हें लगता है नहीं तुमने कुछ गलत किया? मीरा कहती आई नो, मुझे पता है मैंने गलत किया। अम्मी कहती ठीक है, और तुम्हें माफ़ी चाहिए ना तो तुम्हें पहले अपनी खाला को माफ़ करना होगा। मीरा कहती नहीं मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। अम्मी कहती ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तो अम्मी वैसे बोल के खाने लेके अंदर जाती है मीरा की मम्मा के पास। तभी मीरा जो होती है वो अम्मी की बात सोच रही होती है और कहती है कि यार मेरी थोड़ी सी गलती है, लेकिन मेरी खाला ने जो किया उसे गलती नहीं गुनाह कहेंगे। तो मीरा ऐसे बोल के अपनी मम्मा के रूम में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी खाला के रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई है और काफ़ी शोर हुआ है। पहले तो मीरा ध्यान नहीं देती, जाने लगती है, फिर कहती कहीं फिर से वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, ऐसे बोल के मीरा चेक करने जाती है। देखते कि उसकी खाला जो है वो नीचे गिरी हुई है, उसके हाथ से खून निकल रहा है। मीरा उनके हाथ में देखती है, चोट बहुत छोटी सी होती है लेकिन उसमें ब्लड बहुत निकल रहा होता है। मीरा कहती इतनी छोटी को चोट पे इतना ब्लड क्यों निकल रहा है? मीरा थोड़ा घबरा जाती है, वो ऐसे ही उनके हाथ पे पट्टी करती है ब्लड रोकने के लिए, लेकिन ब्लड तो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। मीरा बहुत वरीड हो जाती है, वैसे उन्हें उठा के बेड पर लेटाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, वो किसी से हेल्प भी नहीं ले सकती थी क्योंकि वो सब खुश थे, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी खाला का मोबाइल उठाती है, उसमें एक डॉक्टर का नंबर सेव होता है, वो उसे कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब ये जिनका मोबाइल है ना वो बेहोश हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा उनको क्या हुआ है, उनके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा है जो रुक भी नहीं रहा। तो कहते वॉट, उनके लिए बहुत नुकसान है, जल्दी से पट्टी करो। मीरा कहती मैंने करी है बट खून नहीं रुक रहा, मैं क्या करूँ, इतनी चोट नहीं थी जितना खून निकल रहा है। वो कहते वो डायबिटीज़ की पेशेंट है, छोटी सी चोट पर उनका ब्लड बहुत निकलता है जो रुकता नहीं है और ब्लड वेस्ट होना उनकी जान को खतरा है। मीरा कहती है अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं कि वहाँ पे एक इंजेक्शन होगा देखो। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कहाँ पे है। तो कहते हैं अरे देखो इनके बैग में हमेशा एक इंजेक्शन रहता है, वो लगाओ इन्हें। तो मीरा ऐसे उनका बैग ढूंढती है, उनमें से एक इंजेक्शन होता है, मीरा उसे निकालती है लेकिन उसके हाथ काँप रहे होते हैं इंजेक्शन लगाते टाइम। वो कहती है रिलैक्स इट्स ओके, इंजेक्शन ही तो है, मैं लगा दूँगी। तो मीरा ऐसे बोल के वो इंजेक्शन लगाती है। जैसे इंजेक्शन लगाती है तो इंजेक्शन से भी ब्लड निकलने लगता है। मीरा कहती है वो क्या बकवास है, वो ब्लड रुक नहीं रहा, तब यहाँ से भी निकल रहा है। तो मीरा ऐसे ज़ोर से दोनों तरफ प्रेस करके बैठते हैं ताकि ब्लड थोड़ा रुक जाए, और थोड़ी देर में ब्लड निकलना रुक जाता है। उसकी खाला भी आंखें खोलने लगती है। मीरा ऐसे अपनी खाला को देखती है आप ठीक तो हो ना? हाँ, ये क्या हो गया था, ये ब्लड रुक क्यों नहीं रहा था? तो वो ऐसे मीरा की तरफ देखते हैं कि मीरा के हाथ में इंजेक्शन है। वो कहती है तुमने तो मेरी जान बचा ली है इंजेक्शन लगा के, मुझे डायबिटीज़ है और अक्सर मेरे साथ ये होता रहता है। मीरा कहती है तो मीरा जाने लगती है। तो उसकी खाला कहती है मुझसे गुस्सा थी, शायद नफरत भी करती थी, फिर भी मुझे बचाया, थैंक यू। मीरा कहती है क्योंकि मेरी माँ आपसे प्यार करती है, जिस चीज़ से मेरी माँ प्यार करती है मैं उससे नफरत नहीं कर सकती और ना ही उसे मरता हुआ छोड़ सकती हूँ। तो मीरा ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी खाला कहती है बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, गुस्से में भी केयर करना नहीं भूलती। और वहाँ मीरा जो होती है वो अम्मी के पास जाती है और उससे सॉरी करती है, बहुत सॉरी करती है, लेकिन अम्मी उसे बिल्कुल बात नहीं कर रही होती। तभी अम्मी फिर एक बार मीरा का हाथ पकड़ते हुए उसे साइड पे लेके जाती है। मीरा कहती थैंक गॉड तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अम्मी कहती मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, मैंने बस इतना बोला कि हमें आज ही निकलना होगा। अमेरिका के लिए। तो मीरा कहती वोट, हाँ जी क्यों, मैं मोम को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वो कहती तुम समझो यहाँ पे तुम्हारी खाला और नानू दोनों होंगे, उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हें, मुझे और सानिया को अभी निकलना होगा। मीरा कहती लेकिन क्यों। तो अम्मी कहती ये देखो। तो हमने एक वीडियो दिखा दिया। मीरा कहती ओ माय गॉड, डैड इस कंपनी के साथ डील फाइनल करने वाला है। वो कहती हाँ, अगर ये डील हो गई ना तो उसके बाद हमारे डैड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें जेल में डालना बहुत मुश्किल होगा और ये सबूत भी कम पड़ेंगे। ये डील फाइनल होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा और तुम्हारे डैड की वो डील कैंसिल करनी होगी और तुम्हारे डैड को जेल में मैं भी तो पहुँचाना है। मीरा कहती हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अभी मॉम से बात करती हूँ। मीरा से बल्कि अपनी मम्मा से बात करती हूँ, उन्हें सारी सिचुएशन बताती है। सानिया से मम्मा को हक कर लेती है, कहती मैं नहीं जाऊँगी मम्मा को छोड़ के। मीरा कहती तुम्हें चलना होगा, हमें वहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। सानिया कहती पर, तो हमने कहती ठीक है सानिया को यहाँ रहने तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम सब देख लेंगे। तो मीरा कहती चलो ठीक है। मीरा और अम्मी जो है वो दोनों अपना थोड़ा सामान वगैरह पैक करते हैं, अपने कार्ड वगैरह रखते हैं, अपना पासपोर्ट वगैरह रखते हैं और फिर सीधा निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद मीरा जो है वो ऐसे ही जब लाइन में खड़ी होती है तो वैसे अवनी को बहुत प्यार से देखती है। अवनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और मीरा को याद आता है कि उसने अवनी के साथ कितनी बदतमीजी की थी। वो ऐसे अवनी को पीछे से ऐसे हक कर लेती है। अवनी कहती क्या करी हो पागल हो, पीछे हटो सब है। मीरा कहती है हम सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। अवनी कहती ज़्यादा हम सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। मीरा कहती पर लग तो नीरा अभी भी गुस्से में लग रही हो, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। अम्मी कहती ये ठीक है, जब मन करे प्यार से बात कर लो, जब मन करे गुस्सा हो जाओ और फिर ऐसे रिएक्ट करो जिसको छुआ नहीं। मैं रखती आई नो मेरी गलती, आप रियली सॉरी। तो तभी वहाँ पे एक लेडी कहती है कि मैम प्लीज़ आगे बढ़िए। तो मीरा कहती ओके। तो ये दोनों जाके प्लेन में बैठ जाते हैं, दोनों की सीट साथ साथ होती है तो इसलिए मीरा ऐसे अवनी का हाथ पकड़ती है। जैसे वो अवनी का हाथ पकड़ती है अवनी वहाँ से अपना हाथ हटा लेती है। मीरा कहती प्लीज़ बाबू माफ़ कर भी दो ना। अवनी कहती बोला ना मुझसे दूर रहो, मुझसे ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है। मीरा कहती अच्छा फिर क्यों आई अमेरिका मेरे साथ, मैं के लिए जा सकती थी ना। अवनी कहती मैं नाराज़ तुमसे हूँ, सानिया से नहीं, मैं ये सब सानिया और आंटी के लिए कर रही हूँ समझी तुम। तो मीरा फिर चुप हो जाती है। उसके बाद काफ़ी देर तक मीरा अवनी से बात करने की ट्राई करती है लेकिन अवनी मीरा को मुँह ही नहीं लगाती, वो बहुत गुस्से में होती है। इसके बाद अवनी जो है वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है। जैसे वो वॉशरूम के लिए उठती है मीरा भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। अवनी जैसे वॉशरूम के गेट को हाथ से पकड़ती है, मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि मुझे छोड़ के जाओगी। अवनी कहती तुम्हें जाना है ठीक है, पहले तुम चले जाओ, मैं नहीं चाहती। मीरा कहती अच्छे से जाओ जाओ। तो अवनी जैसे ही अंदर घुसती है मीरा भी अंदर से घुस जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। अवनी कहती क्या बदतमीजी है, हाँ हटो यहाँ से, लॉक क्या किया तुमने। मीरा कहती क्योंकि मुझे भी सोचने लगी। अम्मी कहती ठीक है तुम कर लो, मैं जा रही हूँ। तो अम्मी जाने लगती है, मीरा उसका हाथ पकड़ती है और जैसे दीवार से लगाती है और कहती है मुझे छोड़ के जाओगी हाँ। अम्मी कहती क्या बदतमीजी है, छोड़ो। मीरा कहती हम सॉरी ना यार, ठीक है गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है लेकिन मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। अम्मी कहती हाँ ठीक है अब हटो। मीरा कहती प्लीज़ माफ़ कर दो ना। अम्मी कहती बोला ना कर दिया माफ़, हटो सामने से। मीरा कहती है अच्छा आपकी आँखें तो कुछ और ही बता रही है, अभी तक गुस्सा मुझसे, प्लीज़ ना आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैं गुस्से में थी, मुझे नहीं समझ आया, वो शायद मेरे अंदर का डर था। जान तुम अच्छे से जानती हो ना इतने टाइम बाद मुझे मेरी फैमिली मिली है, मैं उन्हें खो नहीं सकती। अम्मी कहती और मैं, मेरा क्या, मुझे लगा मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, ये तुमने मुझे रियलाइज़ करवा दिया मेरी औकात की, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मीरा कहती ऐसी नहीं है, तुम तो मेरी जान हो, आई रियली लव यू, आई रियली डू यार। अम्मी कहती हो यार यू लव मी, क्या बोला था, सानिया मेरी बहन है तो तुम क्यों उसकी परवाह करोगी। वाओ यार तुम, सानिया मेरी कुछ नहीं लगती, मैंने तुम्हारे हर फैमिली मेम्बर को अपना फैमिली मेम्बर माना, तुम्हारे प्यार को अपना प्यार माना, तुम्हारी नफरत को अपनी नफरत मानी और तुमने क्या किया, एक ही वक्त में मुझे पराया कर दिया। वाओ यार मुझे लगा था कि हम दोनों एक हैं, हमारा दर्द एक है, हमारा प्यार एक है, हमारे सारे रिश्ते एक हैं, पर नहीं तुमने मुझे रियलाइज़ करवा दिया कि तुम्हारे रिश्ते सिर्फ सिर्फ तुम्हारे ही हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर कहते हैं अब सॉरी यार वो मैं गुस्से में, आई डोंट नो मैंने क्या बकवास करी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बोलो तो तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ। मेरा ऐसे बोल के सच में नीचे बैठ जाती है और अपने के पाँव पकड़ लेती है। अपने कहती हो प्लीज़ यार ये ड्रामा तो करो ही मत। मेरा कहते आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, अपनी फैमिली मानती हूँ। अम्मी कहती अगर ऐसा होता ना तो तुम मुझे उस टाइम वो वर्ड में नहीं बोलती, तुम्हें शायद पता भी नहीं चला कि तुमने मुझे क्या बोला। मीरा खड़ी हो जाती है और कहती है आई एम स्टूपिड यार, तुम्हें अच्छे से पता है गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता और मैं बहुत कुछ गलत बोल देती हूँ, आई एम रियली सॉरी, पर इससे ये साबित नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मीरा से हाथ जोड़ के खड़ी होती है लेकिन अम्मी का गुस्सा तो ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा होता। मीरा कहती नहीं करोगी माफ़। अम्मी कहती कभी नहीं करूँगी, समझी तुम, जितना तकलीफ तुम्हारे उन वर्ड्स ने मुझे दी थी ना वो तुम महसूस भी नहीं कर सकती। तो मीरा कहती है मैंने तकलीफ दी ना, हाँ दर्द दिया, ठीक है मैं खुद कभी दर्द दूंगी। तो मीरा ऐसे बोल के अपना सर जो ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे में मार रही होती है। तो अवनी कहती मत करो, क्या करो, लग जाएगी तुम्हें। तो मीरा और ज़ोर से करने लगती है। तभी अवनी सामने दरवाजे के सामने अपना हाथ रख देती है। मीरा का सर जो है उसके हाथ पे लगता है और अवनी बोलती है एकदम सॉरी, हम रियली सॉरी, फिर से तुम्हें हर्ट कर दिया, प्लीज़ आई एम सॉरी, लेकिन तुमने हाथ आगे क्यों किया। तो अवनी ऐसे अपना हाथ नीचे करती है और ऐसे हल्का से उसे प्रेस करती है और कहती है क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, अब हटो सामने से। तो अवनी ऐसे ही दरवाज़ा खोल के जाने लगती है। तभी मीरा उसे वापस अंदर खींचती है वॉशरूम के अंदर, उसके लिप्स पर किस कर लेती है। अवनी उसे पीछे की तरफ पुश कर रही होती है लेकिन मीरा उसे दिमाग से लगाती है और उसके लिप्स पर बस पैशनेट किस करी जा रही होती है। और अवनी जो है वो भी सारा गुस्सा थोक देती है, वो भी मीरा को किस करने लग जाती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मीरा किस करते के साथ साथ रो भी रही होती है और बार बार यही बोल रही होती है आई एम सॉरी, आई लव यू, आई रियली डू यार, आई रियली लव यू। तो मीरा ऐसे बोल के बार बार से किस कर रही होती है। तभी अवनी उसे पीछे करती है और ऐसे हाथ ऊपर करती है। मीरा को लगता है कि वो उसे स्लैप करेगी, इसलिए मीरा आँखें बंद कर लेती है और अवनी ऐसे ही हाथ से उसके आंसू पोंछती है, कहती है रोना बंद करो, कर दिया मैंने माफ, थोड़ी देर भी गुस्सा नहीं रहने देती। मीरा कहती पक्का माफ़ कर दिया ना। अवनी कहती हाँ। तो मीरा ऐसे उसे अपनी पाँव में भर लेती, कहती आई लव यू सो मच एंड आई एम सॉरी, पक्का कभी कभी हर्ट नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। अवनी कहती तो उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तो बाहर से लोग हो रहे होते हैं कि कौन है अंदर, प्लीज़ बाहर आओ, मुझे ज़ोर से सूझ लग गया। तो मीरा हंसते हुए कहती है कि चले। अवनी कहती तो उसके बाद मीरा जो होती है दरवाज़ा खोलती है। तो वहाँ सामने ना एक लेडी खड़ी होती है, वो ओल्ड होती है। तो मीरा पहले निकलती है वॉशरूम के अंदर से, फिर एक लड़की निकलती है यानी अवनी निकलती है। तो आंटी देखती रह जाती है कि वॉशरूम में दो लड़कियाँ घुसी हुई थी, वो इन दोनों को घूर रही होती है। और मीरा कहती है क्या हुआ, यही सोसो करने का इरादा है क्या। तो मीरा ऐसे आंटी को बोल के हंसते हुए अवनी का हाथ पकड़ के सीट पे जाके बैठ जाती है। तो ये दोनों फिर हंसने लग जाते हैं। उसके बाद मीरा अवनी का हाथ चूमती है, कहती है आई लव यू सो मच। मीरा कहती है अब कभी गुस्सा नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। तो अवनी कहती देखेंगे वैसे तुम्हारे गुस्से पे कंट्रोल कहाँ रहता है। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे का हाथ थाम के बैठे होते हैं और फाइनली ये लोग अमेरिका पहुँच जाते हैं। जैसे इनका प्लेन लैंड होता है, मीरा फ़ौरन से बैग निकालती है, उस बैग को ऐसे ही वो अपने शोल्डर पर रख लेती है जिस पे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अवनी कहती है डॉक्यूमेंट्स इसी बैग में ना। मीरा कहती हाँ। तो उसके बाद वहाँ पे पहले से जोया जो है वो गाड़ी लेके आई होती है, इन दोनों का वेट करती होती है। जैसे ये दोनों नीचे उतरते हैं वो इन्हें गाड़ी में बैठाती है और मीरा कहती है कि जो मैंने बोला था वो हो गया। तो वो कहती है मैं हमारी श्योर आपको ये करना है। मीरा कहती हाँ मुझे ये करना है। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो सीधा एक न्यूज़ चैनल में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे वो इंटरव्यू देती है। तो सब बहुत हैरान हो जाते हैं मीरा की बातें सुन के। और मीरा कहती है कि मुझे एक लाइव टेलीकास्ट करना है। तो वहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो सब मान जाता है क्योंकि बहुत ही बड़ी न्यूज़ ब्रेक करनी होती है। मीरा कोई आम ताम लड़की तो होती नहीं है, बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन की बेटी होती है और ख़ुद भी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन होती है। तो सब उसकी बात मान जाते हैं। और जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो मीरा से कुछ क्वेश्चन करते हैं। मीरा उन क्वेश्चन का आंसर देती है और काफ़ी काम होकर आंसर देती है। और अवनी जो होती है वो भी बिल्कुल उसके साथ बैठी होती है। तो उसके बाद एक रिपोर्टर मीरा से पूछती है कि आपने दावा किया है कि आपके पापा ने आपको और आपकी माँ को मारने की कोशिश की थी, क्या ये सच है। मीरा कहती हाँ ये सच है। तो कहते कि आपके पास इसका कोई प्रूफ है। मीरा कहती प्रूफ है, एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और प्रूफ आप सबको देने हैं। तो सब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं और कौन से प्रूफ। मीरा कहती है कि जितने घोटाले हुए हैं उन सब के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे डैड जो इतने बिजनेसमैन बने हुए हैं, इतने अमीर बने हुए हैं, कितने लोगों की उन्होंने खून बहाया है और इस मुकाम तक पहुँचे हैं, मैं वो सब आपको बताना चाहती हूँ। तो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैम आप होश में हो, आप क्या बोल रहे हो, आप अपने पापा के बारे में बोल रहे हो, एक बिजनेसमैन के बारे में आप बोल रहे हो। मीरा कहती हाँ मैं होश में हूँ, चाहे तो मेरा टेस्ट ले लो, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की। तो सब हैरान हो जाते हैं। और ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। तभी उसके पापा को कोई कॉल करता है और कहता है कि लाइव टेलीकास्ट देखो, तुम्हारी बेटी तुम्हारा भांडा फूलने वाली है। तो वो जैसे टीवी चलाते हैं और देखते हैं कि मीरा वहाँ पे उसके पापा के बारे में क्यों हर एक बात बता देते हैं। उसके पापा ने आज तक किसकी जान ली, कितना घोटाला किया, कहाँ से पैसे चुराए, वो हर एक चीज़ जो है वो लाइव प्रूफ के साथ सबको दिखा दिया। और उसी टाइम पुलिस जो है उसके पापा को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद मीरा कहते हैं कि मुझे एक और चीज़ बतानी है। तो वो कहते हैं कि क्या। तो मीरा कहती है कि मेरे डैड ने जो भी किया उसमें मेरा या मेरी मॉम का कोई लिंक नहीं था, इसलिए उसके किए किसी से सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड को मिले। और उन्होंने आज तक मेरे साथ जो किया, मैं चाहती हूँ कि उनकी उस चीज़ की सज़ा भी उन्हें मिले। मैं उन पर अटैम्प्ट टू मर्डर केस लगाना चाहती हूँ, मेरा, मेरी माँ का और मेरी बहन का। तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं आपकी बहन, आपकी कोई बहन भी है, हमें तो इस बारे में नहीं पता था। मीरा कहती हाँ मेरी एक बहन है, मेरी ट्विन सिस्टर है। जिसे मेरे डैड ने मारने की नाकाम कोशिश की, पर जैसे तैसे वो बच गए। मेरे नानों ने अपने मेरी डैड की नज़र से छुपा के उन्हें पाला। और एक बात और डैड, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको एक और शॉकिंग न्यूज़ देना चाहती हूँ, मॉम जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। और ये सारे प्रूफ्स ना उन्होंने इकट्ठे किए थे आपके खिलाफ। वो आपका भांडा तभी फोड़ना चाहती थी, इसलिए आप उनकी जान लेना चाहते थे ना, पर नाकाम कोशिश रही आपकी। अब आप तो जाएंगे जेल, लेकिन मुझे मेरी फैमिली मिल जाएगी, मुझे मेरी वो फैमिली मिल जाएगी जिसके लिए आपने मुझे तरसाया है। पूरी दुनिया के सामने आप एक अच्छे डैड बन के रहे हैं, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आप किस किस्म के डैड हैं। तो ऐसे बोल के मीरा जो अपने बाल साइड पर करती है, उसके फोरहेड पे टांगों के निशान होते हैं। मीरा कहती है कि आपको ये निशान दिख रहे हैं, ये निशान मेरे डैड ने मुझे दिए थे। ड्रिंक करके वो मुझे मारते थे, पीटते थे, और भी तरह तरह के मेरी बॉडी पे निशान है। मैं चाहती हूँ कि आप सबको वो चीज़ दिखाऊँ। तो ऐसे बोल के मीरा के पास एक रिपोर्ट होती है जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है। बचपन से लेकर आज तक उसके डैड ने जितने उसके घाव दिए थे उस पर वो सारे कुछ मेंशन होते हैं। मीरा वो रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि अगर आपका कैमरामैन जूम करके दिखा सके तो दिखाएंगे सारी रिपोर्ट। आज तक मेरे डैड ने मुझे सिर्फ यही दिया है। सब लोग कहते हैं मेरे डैड ने मुझे पैसा दिया, याशी दिया, कुछ नहीं दिया। आज तक मैंने उनके पैसे को हाथ नहीं लगाया। और ये जो मेरी खुद की कंपनी है ना, वो मेरे नाना जी की कंपनी थी और मैंने वो कंपनी अपने बलबूते पे खड़ी किया। उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरी बहन का और मेरी माँ का हक है और किसी का हक नहीं है। तो उसके बाद रिपोर्टर कहता है कि आपके डैड के जेल के जाने के बाद वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी जो आपके डैड की थी, तो आप उन चीज़ों को क्या करोगे। मीरा कहते हैं मुझे मेरे डैड का कुछ भी नहीं चाहिए, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है और जो मेरे डैड का था वो सिर्फ उन्हीं का था, क्योंकि वो उन्होंने गलत पैसों से कमाया था, इसलिए मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो है वो लाइव टेलीकास्ट ख़त्म हो जाता है और उसके डैड सर पकड़ लेते हैं कि इस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जान ले लूँगा इसकी। ऐसे बोल के वो अपने घर को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मीरा को पकड़ के मेरे सामने लाओ जितनी जल्दी हो सके। तो तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो कहते हैं कि हमें आपको अरेस्ट करना होगा, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो मीरा के डैड कहते हैं तुम होश में हो, जानते भी हो कौन हूँ मैं, हाँ हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की, मैं अभी तुम्हें निकलवाता हूँ तुम्हारी ड्यूटी से, समझे, तुम एक कॉल करने की देर है। तो ऐसे बोल के किसी को कॉल करते हैं और वो कहता है कि सर अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी बेटी ने प्रूफ्स के साथ आपके खिलाफ सब कुछ बयान दिया, आपको तो जेल जाना ही होगा। तो उसके डैड परेशान हो जाता है, वो क्या करे, वो सर पकड़ लेते हैं। एक ही सर्किट में उनकी पूरी दुनिया पलट जाती है। वो जेल के अंदर होते हैं और जब वो जेल के अंदर होते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि मेरी खुद की बेटी ने मुझे बर्बाद कर दिया, इससे तो अच्छा होता मैं इसे उसी टाइम मार देता। तो अभी भी उन्हें गिल्ट नहीं होता अपने किए पे, उन्हें गिल्ट इस बात को होता है कि उन्होंने मीरा को क्यों जिंदा रखा। और वहाँ पे सारे रिपोर्टर जो होते हैं वो मीरा के लिए क्लैप कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तक हमने कभी किसी लड़की को इतनी हिम्मत दिखाते हुए नहीं देखी, अपने खुद के डैड के खिलाफ आप बोलिए, आप महान हैं। तो मीरा कहती महान मैं नहीं, मेरी मोम थी, उन्हीं से ही मुझे हिम्मत मिली और ये सारे मेरे डैड के खिलाफ प्रूफ भी मेरी मोम ने कलेक्ट किए थे, मैंने नहीं। तो अगर कोई महान इंसान है तो मेरी माँ है। तो सब उसकी माँ के बारे में तारीफ़ करने लगता है और मीरा के सुन के बहुत अच्छा लगता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मीरा जब अपने की तरफ देखते हैं और भाग के उसे हक कर लेती है। अपनी कहती जहाँ तुमने बहुत अच्छा किया, प्राउड ऑफ़ यू, यू आर बेस्ट। तो हमने ऐसे बोल के उसके घर पर किस कर दिया। वो तो वहाँ की जो मेन रिपोर्टर होती है ना लीड, वो कहती है कि मैम आपने बोला था आपकी कोई बहन है, क्या यही है आपकी बहन। मेरी कहती नो नो ये मेरी बहन ही है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी बिजनेस पार्टनर भी। तो वो कहती ओके मैम, तो आपकी बहन कौन है। मीरा कहती वो भी पता चल जाएगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तो उसके बाद मीरा जो है वो सानिया को कॉल करती है और कहती है कि तुमने न्यूज़ देखी। सानिया कहती है हाँ हम वही देख रहे थे। मीरा तुम छा गई, तुम सच में तुमने आज कमाल कर दिया। मीरा कहती हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अब जितनी जल्दी हो सके तुम सब अमेरिका आ जाओ, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है अब तक तो डैड जेल में होंगे। तो वो कहती हाँ न्यूज़ में आ गया है, वो अरेस्ट हो चुके हैं। मीरा कहती थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, जितनी जल्दी हो सके बस तुम सब जल्दी से आ जाओ, मुझे अब मोम से और तुमसे और दूर नहीं रहना। वो कहती हाँ हमने टिकट करवा दी, हम आ रहे हैं। तो उसके बाद वो लोग भी अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं और यहाँ अमनी और मीरा जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। मीरा जो है वो अपने घर जाती है, अम्मी और उसका जो घर होता है वो वहाँ जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और मीरा कहती है कि आज तो शैम्पेन पीना बनता है, हाँ इतनी सेलिब्रेट करने का दिन है ना। हमने कहती ठीक है बस एक गिलास ओके। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है बस एक ही। तो उसके बाद दोनों साथ में शैम्पेन पी रहे होते हैं। मीरा बहुत खुश होती है, वो अम्मी को घुमाती है, उसके साथ डांस करने लगती है और हंसने लगती है। अम्मी कहती है आज तो कोई बहुत खुश है। मीरा कहती है हाँ मेरी जान, खुशी की तो बात है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तभी थोड़ी देर में जो है वो जोया की कॉल आ जाती है और कहती है कि मैम आपने तो कमाल कर दिया, अब पूरा मीडिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए पागल हुआ बैठा है, अब मैं क्या करूं, किस किस को मना करूं, आपको एक और इंटरव्यू तो देना ही होगा। मीरा कहती अभी नहीं। तो जोया कहती मैम सब जाने के लिए बेताब है कि आपकी वो दूसरी बहन कौन है, ट्विन सिस्टर कौन है, प्लीज़ मुझे बता दो ना, मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। तो वो कहती अरे अभी नहीं बाद में। तो मीरा से बोल के कॉल कट कर देती है। उसके बाद हमने कहा हाथ पकड़ती है बस उसे घुमाने लगती है। हमने कहती है हे बेबी रिलैक्स गिरा ना तो मुझे कहीं, मीरा कहती है मेरे होते हुए कुछ हो सकता है नहीं ना। तो मीरा उसके बाद हमने की कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचा, कहती है आई लव यू सो मच मेरी जान, तुम ना होती तो शायद मैं अकेले कर ही ना पाती। हमने कहती है ऐसा कभी नहीं होता, मैं हूँ ना और हमेशा रहूँगी। तो उसके बाद मीरा जो है वो उन्हीं के ऊपर पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। तो मीरा से बोल के वो शैम्पेन का गिलास साइड पे रख दिया और अपने के फेस को अपने हाथों में थाम दिया और उसकी लिप्स पे प्यार से किस कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसे और जोर से किस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे उसे किस करते करते पीछे सोफे पे लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है। हमने कहती है हे बेबी क्या कर रही हो, अभी सब आ जाएंगे। मीरा कहती है अभी कोई नहीं आएगा, ये सेलिब्रेट करने का टाइम है मेरी जान, प्यार करने का टाइम है, ओ माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ। तो हमने हंसते हुए मीरा को किस कर लेती, कहती है अच्छा फिर करते हैं ना। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस करते करते मीरा जो अपनी ड्रेस उतार देती है और अपनी ऐसे मीरा के बदन को छूती है, कहती ओहो यू आर लुकिंग सो हॉट। मीरा कहती है हाँ ना एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग सो हॉट, वेट नहीं हो रहा अब तो। मीरा से बोल के अपने के कपड़े उतार देते हैं, उसे बस पागलों की तरह फुल जोश से किस करने लग जाती है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को ये सारी किसेस करते हैं। उस दिन इन दोनों बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। काफ़ी देर तक प्यार करने के बाद जो बाहर जब पहल होती है, मीरा कहती है ओ शिट लगता है मोम डैड आ गए। तो कहती है अरे डैड नहीं सिर्फ मोम। तो मीरा कहती है अरे यार डैड बोलने की आदत अब तक हो गई है ना। तो ये जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं और तभी सानिया जो है वो पहाड़ पर बैल दे रही होती है। मीरा दरवाज़ा खोलती है, सानिया कहती क्या यार दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मीरा कहती अरे तुम्हारे पास की थी तो सही। सानिया कहती यार मैं मुझे मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद मीरा जो है वो अपनी मॉम को मिलती है, कहती मॉम हमने कर दिखाया। उसकी मॉम बहुत खुश होती है, कहती मीरा प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा, तुमने कमाल कर दिया। तभी वहाँ पर मीरा की खाला भी साथ आई होती है। तो मीरा उन्हें देख के थोड़ा सा गुस्सा करते हो, कहते ये क्यों आई है यहाँ पे। तो मीरा की मम्मी कहती बेटा ये भी हमारी फैमिली मेम्बर है, हमारे साथ रहेंगी। मीरा कहती मम्मा लेकिन। तो उसकी मम्मा कहती बेटा प्लीज़ तुम्हारी खाला है ना, अच्छे से बात करो। मीरा कहती हेलो कैसी हैं आप, ठीक है ठीक ही होंगी। तो ऐसे बोलकर पीछे हट के बैठ जाती है। तो उसकी नानू कहती है कि बेटा मुझसे नहीं मिलोगी। तो मीरा कहती मुझे लगा कि आपको पसंद नहीं हो मैं। तो वो कहती नहीं अब ऐसा नहीं है, अब मैं अपने बच्चों में भेदभाव बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मीरा खुश हो जाती है, अपनी नानू को हक करती है, कहती थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके बाद उसकी नानू कहती बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिला, मैं थी और मैं भी तुम्हें प्यार ना दे पाई, आई एम सॉरी। मेरा कहती इट्स ओके अब आप है ना, मुझे बस सारा प्यार दे देना। तो उसकी नानू हंसते हुए कहती अच्छा ठीक है। तो उसके बाद सानिया कहती यार मुझे भी कोई प्यार कर लो, मैं तो किसी को कुछ लगती नहीं। तो मीरा भाग के उन्हीं को हक करते उसे घुमाते हुए कहती तुम मेरी बहन हो आई लव यू। तो कहती अच्छा अच्छा शांत शांत आराम से नीचे उतारो, गिराना है क्या मुझे। तो ऐसे ही उसे हक करके खड़ी होती है, मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। तभी जोया की कॉल आ जाती है और जोया कहती है कि मैम यहाँ पे सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आपको जल्दी से ऑफिस आना होगा। मीरा कहती कौन सा ऑफिस। वो कहती आपको आपके डैड के ऑफिस आना होगा, यहाँ पे बहुत तमाशा हो रहा है, प्लीज़ आप जल्दी हो, मुझे और कंट्रोल नहीं होगा। तो मीरा कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मीरा कॉल कट करती है, सानिया कहती क्या हुआ। तो मीरा उसे सिचुएशन बताती है, सानिया कहती मैं भी आऊँगी और अम्मी कहती मैं भी साथ चलती हूँ। तो ये तीनों जो है वो साथ निकलते हैं मीरा के डैड के ऑफिस के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सब ने हल्ला गुल्ला कर रखा होता है, क्योंकि सबके सब फंस चुके होते हैं। उन सबको भी अब खतरा होता है क्योंकि उन्हें जेल ना हो जाए, इसलिए मीरा जो है वो उन सबसे बात करती है। वो कहती है कि सब कहते हैं कि मीरा मैम अब आप ही हमारे करता धरता है, आपके डैड के बाद आप ही हमारे बॉस हैं, आप प्लीज़ हमें बचा लो, हमें जेल नहीं जाना। मीरा कहती है ये सब तुम लोग को गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए था। तो वो कहती मैम हम क्या करते, आपके डैड हमें जान से मार देते, अगर हम उनका हुक्म टालते तो प्लीज़ हमें बचा लो, हमने कुछ गलत नहीं किया, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, प्लीज़ हमें बचा लो। मीरा कहती है ठीक है रिलैक्स हो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों ने जितने गलत काम किए हैं उन सब की रिपोर्ट तुम्हें मुझे करनी होगी और उन सब को सुधारना होगा। तो कहते हैं मैम लेकिन। मीरा कहती है अगर बचना है तो ये एक चांस है, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। वो कहते हैं ठीक है। तो सब लग जाते हैं, फाइल्स इकट्ठी करते हैं और मीरा के सामने एक एक करके देते हैं। कहते हैं मैम यहाँ पे हमने ये घोटाला किया और यहाँ पे कितने पैसे के बनते थे, लेकिन सर ने देने से मना कर दिया था और सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल दिए थे। मीरा कहती ठीक है, जिसका जितना पैसा खाया वापस उनके अकाउंट में जाना चाहिए। वो कहते हैं मैम लेकिन। मीरा कहती जो बोला वो करो वरना तुम सब जेल में जाओगे। तो वो मीरा जैसे बोलती है वो सब वैसे ही करते रहते हैं। वो सारे पैसे जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिन जिन को देने तो उनको देते हैं। उसके बाद कहते हैं मैम सब हो गया। मीरा कहती अब मुझे उसकी भी फाइल चाहिए जिसकी जान मेरे डैड ने ली थी, उन सब लोगों की फाइल चाहिए। तो वो कहते हैं मैम। मीरा कहती मुझे पता है मेरे डैड बिजनेस में अपने राइवल्स को भी नहीं छोड़ते, उन्होंने उसको या उसकी फैमिली को हट के होगा, मुझे सबकी डिटेल चाहिए अभी। तो सब परेशान हो जाते हैं, कहते ओके मैम। तो 30 मिनट के अंदर सारी फाइल्स मीरा के सामने रख दिया। मीरा और अमनी बारी बारी वो सारी फाइल्स देखते हैं और मीरा तभी कहती है ये सानिया कहाँ रह गई। हमने कहती है मुझे नहीं पता। तो हमने कहती मैं देख के आती हूँ। तो हमने बाहर जाती है, सानिया को देखती है। तो सानिया जो है वो बात कर रही होती है जोया से। मुझे कह रही थी तुम कहाँ थी इतने दिन से, एक मैसेज तक नहीं किया, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, बगैर बताए हमेशा गायब हो जाती हो। सानिया कहती है मुझे बोलने का मौका तो दो। मुझे कह रही मुझे तुमसे कोई बात नहीं, तुम हमेशा ऐसे करती हो, एक मैसेज तो कर सकती थी ना, और तुम्हारा नंबर क्यों बंद था। मुझे कहती वो मेरी नानू है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा। वो कहती अच्छा, और एक मैसेज नहीं कर सकती। हाँ वैसे तो बड़ा कहती हो, हटा मेरा आगे पीछे, और जब मेरा खुद बात करने का मन होता है तो तुम गायब हो जाती हो। तो सानिया ऐसे जोया का हाथ पकड़ते कहती अच्छा मतलब तुमने मुझे मिस किया। जोया कहती ऑफकोर्स मैंने तुम्हें मिस किया। तो सानिया हंसते हुए कहती और क्यों किया ये भी बता दो, मैं लगती क्या हूँ तुम्हारी। तो जोया ऐसे सानिया की तरफ देखते हैं और सानिया कहती आज तो पता नहीं होगा मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी। जोया कहती तुम्हें नहीं पता। तो सानिया कहती तो जोया ऐसी सानिया के फेस को अपने हाथ में थामती है और उसकी लिप्स पे किस कर लेती है, और जैसे उसे किस करके पीछे हटती है सानिया कहती है ओ माय गॉड आह कोई तो मुझे संभालो मैं गिरने वाली हूँ। और तभी जोया जो ऐसे सानिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अभी भी पूछोगे कि कौन लगती हो मेरी। और सानिया हंसते हुए जोया को हक करती है, कहती है आई लव यू। और जोया कुछ नहीं कहती है, कहती है सानिया होती क्या हुआ लव यू टू नहीं बोलना। तो कहती सानिया होती ठीक है मैं ही बोल लेती हूँ आई लव यू एंड आई लव यू टू। उसके बाद जोया हंसने लगती है और अवनी जब इन दोनों को इस तरह देखती है तो वो भी बहुत खुश होती है और मीरा के पास जाके बैठते हैं कि वो अपनी जान के साथ बिजी है। और मीरा हंसते हुए कहती तो तभी वहाँ के एम्प्लॉय कहते हैं मैम आपने जैसा बोला हमने कर दिया, प्लीज़ हमें जेल जाने से बचा लो। मीरा कहती है ठीक है अब तुम में से कोई जेल नहीं जाएगा। तभी वहाँ पे मीरा के लॉयर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैम आपने जो बोला था वो मैंने कर दिया। मीरा कहती है ठीक है। तो वो कहते हैं मैम अब इस कंपनी का क्या होगा, देखा जाए तो टेक्निकली ये कंपनी अब आपकी और आपकी सिस्टर के नाम होगी। मीरा कहती है मुझे मेरे डैड की कंपनी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं मैम अगर आपने ये कंपनी हैंडओवर नहीं करी तो ये बर्बाद हो जाएगी और इस कंपनी में रहने वाले सारे एम्प्लॉयज़ बर्बाद हो जाएंगे, उनका घर कैसे चलेगा। तो मीरा कहती है आई डोंट केयर, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी मेरे डैड की तरह ही हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी। तभी वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, कहते हैं मीरा मैम प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ इस कंपनी को बचा लो, हमें पता है आप बहुत अच्छे से बिज़नेस करते हैं, हम बहुत अच्छे से बिज़नेस करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे, जैसे बोलोगे आप वैसे बिज़नेस करेंगे, प्लीज़ इस कंपनी को डूबने मत दो, इस कंपनी से हमारा घर चलता है, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे, प्लीज़ मैम। तो सब मीरा से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और तभी वो लॉयर कहता है कि वैसे भी ये कंपनी और आपकी सिस्टर के नाम ही होगी तो आपको ये हैंड ओवर करना हो, आपके हैंड ओवर ही होगी ये कंपनी। मीरा कहती है लेकिन, तो वो लॉयर कहता है कि आप क्या चाहती हैं कि ये कंपनी किसी और हाथ में जाए और इस कंपनी का दिवालिया निकल जाए, ये कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ये कंपनी आपकी है, आपको इसे संभालना होगा अपने लिए, अपनी मोम के लिए। तो मीरा पहले तो मान नहीं रही होती लेकिन हमने फिर उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि वो लॉयर सही कह रहा है। तो उसके बाद उसी टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं और वो कंपनी जो है वो मीरा हैंड ओवर कर लेती है। उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और वो कहते हैं कि मीरा मैम आपने जो किया उसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं, लेकिन इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ से भी हमें पूछताछ करनी होगी ना, हम अरेस्ट करने आया। मीरा कहती है कि मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाया। वो कहते हैं मीरा मैम लेकिन, मीरा कहती है अब इस कंपनी की न्यू बॉस मैं हूँ, मैंने हैंड ओवर कर लिया है और मेरे होते हुए मेरे एम्प्लॉयज़ को तुम लोग छू नहीं सकती है, तुम्हें अच्छे से पता है। वो कहते हैं मैम लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मीरा कहती है ठीक है जो इन्वेस्टिगेशन यहीं करो, मेरी आंखों के सामने होगी। वो कहते हैं मैम लेकिन, मीरा कहती है मैंने बोला ना यहीं होगी मेरी आंखों के सामने। तो वो इंस्पेक्टर मान जाता है और उधर ही बैठ के इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मीरा हैंडल कर लेती है और उसके बाद वो इंस्पेक्टर को कहती है कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये तो बस मेरे डैड के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और वैसे भी जिसकी गलती थी वो जेल में है और इन्होंने जो गलती की उन्हें सुधार ली, ये रही सारी रिपोर्ट्स, इन्होंने जितनी भी गलतियाँ की सब सुधर चुकी हैं। तो वो कहता है ओके मीरा मैम अब हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, अब हम जाते हैं। तो ऐसे बोल के चले जाते हैं। वो एम्प्लॉयज़ जो है वो मीरा का जो है वो थैंक यू करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं खुशी खुशी। उसके बाद अवनी कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी जान। मीरा कहती है कि अब बस इस बात का पल है, अब सानिया को पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाना है, ऐसा मेरी सिस्टर, अब वो पल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अपनी कहती है हाँ जान मुझे पता है। तो तभी मीरा जो है वो कहती है लेकिन ये मैडम है कहाँ। तो अपनी कहती है वो अपनी जान के साथ बिजी है। मीरा कहती है अच्छा ज़रा मैं भी तो देखूँ। तो मीरा ऐसे ऊपर से नीचे देखती है कि सानिया और जोया कुछ बात कर रहे हैं। मीरा कहती है ये लड़की नहीं सुधरेगी। और तभी मीरा जो है वो सानिया को कॉल करती है। सानिया थोड़ा साइड पर होती है, कहती है हाँ बोलो ना। मीरा कहती है कि आती अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो गई। हाँ वैसे तुम्हें ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत थी। मीरा जैसे बोलती है सानिया बोलती आई नो आपने और अमनी ने सब हैंडल कर लिया होगा, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मीरा कहती है यहाँ पे तुम्हारे भी सिग्नेचर की ज़रूरत है, अब ये कंपनी हम दोनों हैंड ओवर करेंगे। सानिया कहती है देखो भाई मुझे बिज़नेस का वैसे ही कुछ नहीं पता, आप कर लो जो करना है और अम्मी को साथ मिला लो, और वैसे भी मेरी अभी पढ़ाई और प्यार करने की उम्र है। तो सानिया ऐसे बोल के जोया को देख के हंसती है। जोया कहती क्या हुआ। सानिया बोलती कुछ नहीं। मीरा कहती चुपचाप ना ऊपर आ जाओ समझी। सानिया बोलती लेकिन। मीरा कहती अच्छा ठीक है लगी रहो अपनी जानों के साथ। बस कुछ दिनों बाद वैसे भी पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सानिया मेरी बहन है और इस कंपनी की न्यू बॉस भी। सानिया कहती है यार मुझे बॉस नहीं बनना ना, मैं एम्प्लॉई ठीक हूँ। मीरा कहती मुझे पता है तुम्हें क्यों बॉस नहीं बनना, लेकिन बॉस तो बनना ही होगा। उसके बाद सानिया कॉल कट कर देती है और ऐसे ही जो है वो सारा दिन गुजर जाता है। सब लोग बस सेलिब्रेशन ही करते रहते हैं। और अगले दिन मीरा जो है वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम अब अनाउंसमेंट का टाइम आ चुका है, हमें पूरी दुनिया को अब सानिया के बारे में बताना होगा। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ वो तो बताएंगे, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ अपने और अवनी के बारे में। तो मीरा एकदम डर जाती है, कहती मेरी और अवनी के बारे में क्या। तो मीरा की मॉम कहती है बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी आंखों में जो है वो मुझे सब दिखता है। मीरा कहती है मेरी आंख में कुछ नहीं है, माँ शायद कचरा क्या होगा। तो मीरा की मामा हंसती है, मीरा का फेस ऐसे अपनी तरफ करती है, कहती मेरी आंखों में देखो हाँ, और सच बताओ तुम प्यार करती हो ना अवनी को। मीरा कहती हाँ मॉम मैं उसे प्यार करती हूँ और उसी के साथ सारी जिंदगी बताना चाहती हूँ। और तो मीरा ऐसे बोल के डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। तो उसकी मामा कहती है इसमें डरने की क्या बात है, प्यार किया है तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाओ। मीरा कहती है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो उसकी माँ कहती है अरे मुझे किस बात की प्रॉब्लम होगी, वैसे भी न्यू जनरेशन है जो करना है करो, और आजकल तो सब नॉर्मल है सब चलता है। मीरा कहती तो उसकी मम्मा कहती बस थोड़ी सी दिक्कत है। मीरा कहती वो किस बात की। तो उसकी मम्मा कहती है कि अवनी की मॉम मानेगी वो थोड़े पुराने ख्यालों की है। मीरा कहती है हाँ वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तभी वहाँ पे अवनी की मॉम आती है और वो कहती है कि क्या बात हो रही है। तो मीरा कहती है आंटी वो मुझे आपसे कुछ पूछना था, एक्चुअली आपसे कुछ परमिशन लेनी थी। तो वो कहती है हाँ बेटा बोलो। तो ऐसे बोल के वो बैठ जाती है मीरा की मॉम के साथ। तो मीरा की मम्मा ऐसे मीरा को बोलती बोलो ना। मीरा कहती है एक्चुअली वो आंटी वो मुझे ना अवनी के बारे में कुछ बात करनी थी। तो अवनी की मम्मा कहती है हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। तो मीरा कहती एक्चुअली वो आपको तो पता ही है अवनी और मैं आई मीन हम दोनों। तो कहती है हाँ मुझे पता है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। मीरा कहती नहीं हम बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं। तो अवनी की मम्मी कहती फिर मुझे तो लगा तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो, क्या लड़ाई होगी तुम दोनों के बीच में। मीरा कहती नहीं एक्चुअली आंटी वो बात नहीं है वो मैं। तो मीरा की मम्मा ऐसे मीरा का हाथ पकड़ती हैं, कहती हैं कि हिम्मत दिखाओ हाँ। मीरा कहती मम्मा आप ही बात कर लो ना। तो अवनी की मम्मा कहती ये क्या चल रहा है, आप ही बता दो ये क्या बोलना चाह रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मीरा की मम्मा ऐसे मीरा की कान में कहती है प्यार तुम करो हाँ, और रिश्ते की बात मैं करूँ। अगर उसे प्यार करती हो तो इजहार करो उसकी माँ के सामने, वरना हमेशा के लिए खो दोगी उसे। तो मीरा कहती नहीं मैं उसे नहीं खो सकती। तो मीरा से बोल के गहरी सांस लेती है और कहती है कि आंटी वो एक्चुअली मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ विद योर परमिशन। तो आंटी एकदम शॉक्ड हो जाती, कहती क्या क्या बोला तुमने। मीरा कहती मैं सच में आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसे बहुत खुश रखने वाली हूँ आई प्रॉमिस। तो मीरा की मम्मा कहती क्या बोल रही हो तुम, ठीक तो हो ना। तो ऐसे बोल के मीरा की मम्मा देखती है, कहती आपने सुना आपकी बेटी क्या बोल रही है कुछ भी हाँ। तो कहती ये झूठी बोल रही है, सच में उसे बहुत प्यार करती है और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि उसे हमेशा खुश रखेगी, आप बस अपने हाथ इसके हाथ में दे दो। तो अवनी की मॉम कहती है अब आप भी इसके साथ मिल गई कुछ भी, अरे ये कैसे शादी कर सकती है, दोनों लड़कियाँ और शादी हो भी गई तो बच्चा कैसे होगा। तो मीरा की मम्मा हंसते हुए कहती है अरे मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है, बच्चा हो जाएगा उसकी टेंशन मत लो, और दिल मिल गए हैं तो साथ रहना तो बनता है ना। तो मीरा की मम्मा तो फुल मीरा का साथ दे रहे होते हैं, लेकिन अवनी की मम्मा कहती है लेकिन। तो तभी वहाँ पे अवनी का भाई आ जाता है और वो कहता है कि ये सही है मुझे छोड़ के सारे आ गए। तो मीरा कहती अरे भाई आओ ना तो आप कैसे आए। वो कहते कैसे आया, प्लेन से आए और कैसे आया, मम्मा भी मुझे अकेले छोड़ के आ गई, क्या चल रहा है कोई कुछ बताएगा, मैंने न्यूज़ देखी वैसे मीरा तुमने तो कमाल कर दिया। मीरा कहती थैंक यू भैया। तो उसके भाई कहते तुमने एक जंग जीती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मुँह पर 12 बजे हुए हैं। मीरा कहती क्योंकि अभी एक और जंग बाकी है। तो अवनी का भाई कहते क्या। तो मीरा कहती आपकी मम्मा बताएंगी। तो वो ऐसे अपनी मम्मा की तरफ देखते कहते मम्मा क्या बोल रही है मीरा क्या हुआ। मीरा की मम्मा कहती इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो मीरा का अवनी का भाई कहता है हुआ क्या मम्मा कुछ बताओगी। तो मीरा की मम्मा कहती प्यार करती है ये लड़की तुम्हारी बहन से, शादी करना चाहती है तुम्हारी बहन से। तो उसका भाई हंसता हुआ कहता है अच्छा मीरा सच में। तो वो कहती हाँ सच में मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो कहते अरे कॉन्ग्रेचुलेशन यार मुझे तो पता ही था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो अवनी की मम्मी कहती वॉट तुम गधे हो, तुम्हें पता तो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वो कहते अरे सॉरी मम्मा अरे मेरा कान छोड़ो यार, अब वो दोनों प्यार कर रहे हैं उन्हें मानना चाहिए, मतलब मुझे मार रहे हो ये सही है, प्यार वो करे और मार मैं खाऊँ। तो उसकी माँ कहती मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मीरा जो है वैसे उठती है और अवनी की मम्मा का हाथ पकड़िए नीचे बैठ जाती है, कहते हैं मैं ऑफिशियली आपकी बेटी का हाथ मांग रही हूँ, आई प्रॉमिस मैं उसे दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ दूँगी, उसके आँख में कभी आंसू नहीं आने दूँगी, और मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, अगर कभी मैंने अवनी को हर्ट किया तो अब आपके पास राइट है, आप मुझे मार सकते हो, देखो आप मुझे स्लैप कर सकते हो, डांस सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और अवनी भी तो आपकी आंखों के सामने ही रहेगी ना, और आप तो मेरी मम्मा को भी अच्छे से जानते हो, हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, सब ठीक रहेगा, कुछ गड़बड़ी होगी, प्लीज़ 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 अपनी बेटी का हाथ धो दो ना, प्लीज़ मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ 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 मुझे उससे शादी करनी है। तो अवनी की मम्मा हंसने लग जाती, कहती अच्छा ठीक है पहले तुम नीचे से हटो। तो मेरा कहती प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ आई रियली लव हर, प्लीज़ आंटी प्लीज़ प्लीज़ मैं उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती, प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ उसी के साथ बितानी है। तो आंटी कहती ठीक है अब सब राज़ी है तो मैं क्या बोलूँ। तो मेरा वो तो यकीन नहीं आता, वो उछलने लगता है, कहती सच में आप मान गई। तो कहती हाँ और कोई ऑप्शन जोड़ा है तुमने मेरे पास। तो मेरा बहुत खुश होती है, हमने एक मोमो खा करती, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सासू माँ। तो कहती व्हाट सासू माँ। तो कहती अरे हाँ मेरी जानू की मम्मा मतलब मेरी सासू माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। तो मुझे ऐसे भाग के जाती है अवनी को बताने के लिए, लेकिन जैसे हमने उसके सामने आते हो कहती क्या हुआ, तो चल क्यों रहे हो। तो मेरा चुप हो जाती, कहती क्यों ना इसे अभी कुछ नहीं बताते, बाद में बताऊँगी। लेकिन मीरा ना अवनी से कुछ छुपा नहीं पाती, इसलिए कहती छोड़ो यार सरप्राइज बोल ही देती हो। मीरा कहती चाँद सुनो, मैंने तुम्हारी मम्मा से तुम्हारा हाथ मांगा और उन्होंने हाँ कर दी। अवनी कहती व्हाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी हाँ दिन में सपना देख लिया क्या। मीरा कहती अरे नहीं सच में मैंने तुम्हारी मम्मा से शादी की बात की हो और वो मान गई। हमने बोलती मेरी शादी की बात की होगी ना, हाँ और वो मान गई किसी लड़के से करवाने के लिए है ना। मीरा कहती अरे नहीं डफर मुझसे करवाने के लिए। अवनी कहती अरे श्योर मजाक कर रही हो क्या। मीरा कहती अरे पागल सच में वो बाहर गई। तो पहले तो अम्मी को विश्वास ही नहीं होता और कहती खाओ मेरी कसम। मीरा कहती हाँ मेरे जान तुम्हारी कसम, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस। मीरा और अम्मी दोनों छलने लग जाते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सानिया आती है, कहती मीरा मुझे आपको कुछ बताना है, आपको पता क्या हुआ, जोया ने मुझे खुद से किस करी, अरे वो भी मुझे प्यार करते, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस। मीरा कहती इससे अच्छी गुड न्यूज़ मैं तुम्हें देने वाली हूँ, दिल गुर्दे सब कुछ थाम के बैठो। तो सानिया बोलती क्या जल्दी बताओ ना। मीरा कहती वो ना सानिया की मोम। तो सानिया बोलती मेरी मोम क्या। तो कहती अरे मेरे मतलब हमारी मोम और अवनी की मोम, वो दोनों मान गई अवनी और मेरे रिश्ते के लिए, मैंने उनसे बात करी, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस। सानिया कहती वाह ये तो बहुत गुड न्यूज़ है, यार मेरे रिश्ते की भी बात कर लेती ना। मीरा कहती ना बाबा ना, हर किसी को ना अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, मैंने अपने रिश्ते की बात खुद करी ना, तुम भी अपनी खुद ही करोगी, पहले जोया मान तो जाए शादी के लिए। सानिया कहती वो तो मान ही जाएगी। तो उसके बाद सारे बहुत खुश होते हैं, ये तीनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं और उछल रहे होते हैं। और तभी मीरा को कॉल आ जाती है उसके लॉयर की, वो कहते हैं मैम एक प्रॉब्लम हो गई है आपको आना होगा। तो वो कहते हैं ठीक है मैं आती हूँ। तो मीरा कहीं जाने लगती है, अवनी कहती कहाँ जा रही हो। मीरा कहती बस अभी आई। तो मीरा ऐसे बोल के चली जाती है और उसे ना अपने लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन जाना होता है, वो वहाँ पर जाती है। उसके डैड जो है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ नहीं दे रहे थे, वो चुप करके बैठे होते, कुछ भी नहीं बोल रहे होते, इसलिए मीरा को वहाँ बुलाया होता है। और उसके डैड जैसे मीरा को देखते गुस्से से पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों आई यहाँ पर, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, बचपन में तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम बच गई, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया बदल दी, कहाँ मैं वहाँ महल में रहता तो आप जेल में रह रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से जान से मार दूंगा तुम्हें, छोड़ो मुझे। तो ऐसे बोल के मीरा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ रखा होता है। और मीरा कहती आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज आप जेल में हैं, अगर आप प्यार से रहते ना तो कोई भी बेटी अपने बाप को जेल के पीछे नहीं भेजती, समझे आप। तो ऐसे बोलने के बाद मीरा वहाँ से उठती है और पुलिस वालों को कुछ बयान देती है, कुछ पेपर पर साइन करना होता है, वो करती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, बाहर सारा मीडिया ही मीडिया होता है। वो कहता है कि मैम आपकी मोम कहाँ है, आपकी सिस्टर कहाँ है, और आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही, आप मीडिया को इतना इग्नोर क्यों कर रही हैं, हमें पता चला है। तो आप अपने डैड की कंपनी हैंड ओवर कर ली और वहाँ पे अब सब ठीक हो रहा है, आपके डैड ने जितने लोगों के साथ जितना कुछ बुरा किया था आप सब सही कर रहे हो। तो कहती हाँ मेरे डैड की गलतियाँ मैं सुधार रही हूँ, अक्सर बड़े अपने बच्चों की गलतियाँ सुधार रहे हैं, इनके यहाँ उल्टा हो रहा है, बच्चों को अपने बड़ों की गलतियाँ सुधारनी पड़ रही हैं। तो वो कहते हैं मीरा मैम आपने तो सब लोगों के दिल जीत लिए, पूरी आवाम उस टाइम आपके साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे। मीरा कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं और बहुत जल्द मैं पूरी दुनिया को अपनी बहन के बारे में बताना चाहूँगी। कुछ ही दिनों बाद एक जैसे ये इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होगी उसके बाद मैं अनाउंस करूँगी मेरी बहन कौन है और उसका कंपनी में कितना शेयर होगा। तो मीडिया से ही बात करने के बाद मीरा जो है वो गाड़ी में बैठती है और घर आ जाती है। यहाँ पे उसकी मोम और बहन सब न्यूज़ देख चुके होते हैं। तो हमने कहती है कि बहुत अच्छा तुमने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को हैंडल किया। मीरा कहती है हाँ करना ही था, वैसे मेरी जान निकल गई थी, तुम जो नहीं थी मेरे पास। तो हमने ऐसे मीरा को हक कर लेती, कहती अच्छा अब तो होना मैं। तो मीरा की मम्मी कहती तो मीरा एकदम पीछे हो जाती है। तभी सानिया कहती है शेयर की बात कहाँ से आ गई, हाँ मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए चाहती थी कि मैं तुम्हारी बहन बन के रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मीरा बोलती लेकिन ये सब तुम डिज़र्व करती हो। समझे तुम, ये सब तुम्हारा ही है। तो इस बार हमने जो है वो उसकी नानों की तरफ देख रही होती है कि हर बार वो शेयर्स को लेकर लड़ाई करती है, बट आज ऐसा कुछ नहीं होता, वो दोनों बच्चियों को अपनी बच्ची मान रही होती है। तो उसकी मम्मा कहती है कि सोच रही हूँ कि एक हफ़्ते बाद तुम लोगों की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूँ, हाँ, और तभी वहाँ पे हम सानिया को भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। मीरा कहती वाह मम्मी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इतना लेट क्यों, कल ही कर देते हैं ना। उसकी माँ कहती पता है तुम्हें बहुत जल्दी है, लेकिन पहले ये इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हो जाए फिर करेंगे। तो मीरा कहती ओके। तो मीरा बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है, उसे सोना होता है, तो वो हमने को कहती सोने चलें, हमने बहुत ही ठीक है। तो ये दोनों जाके सो जाते हैं, दोनों थके होते तो बस सो जाते हैं। और सुबह जब मीरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि बहुत ही लाउड में जो है वो टीवी चल रही है। वो नीचे आती है, देखती है कि न्यूज़ चल रही होती है जिसमें आ रहा होता है कि उसके डैड ने जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की ट्राई की। मीरा कहती वॉट, वो कभी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकते। उसकी माँ कहती हाँ वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो खुद से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करते, वो अपनी जान ले ही नहीं सकते। मीरा कहती हो ना हो, ज़रूर वहाँ के कैदियों ने डैड पे हमला किया है, मैं देख के आती हूँ। तो मीरा जाने लगती है, सानिया बोलती है कि मैं भी साथ चलूँगी, जैसे भी थे वो मेरे डैड थे। तो मीरा कहती ठीक है तुम मेरे साथ चलो। तो मीरा और सानिया दोनों जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पे उसके डैड जो है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और वो जैसे मीरा को देखते हैं वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतारते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहन को देखना है, वो कहाँ है, मुझे एक बार उसे देखना है। तो मीरा ऐसे सानिया का हाथ पकड़ के उसे सामने करती है, कहती ये है सानिया आपकी बेटी, आपको तो इसका चेहरा भी याद नहीं होगा ना। तो उसके बाद सानिया कहती पहचानेंगे भी कैसे, इन्हीं की करतूतों की वजह से तो मुझे फिक्स चेहरा बना के रहना पड़ता था। मीरा ऐसे बोल के पानी लेती है और अपना फेस वॉश करती है। उसके डैड जब सानिया को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता, सानिया का फेस बिल्कुल मीरा के जैसे था। और वो सानिया के फेस को टच करने लगता है, सानिया पीछे हो जाती है, कहती है कि घिन आती है मुझे आपसे, छूना भी मत मुझे। तो उसके डैड रोने लगते हैं, कहते हैं मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में पछतावे में हूँ। मीरा कहती है आप जैसा इंसान कभी सुधर नहीं सकता, चलो सानिया। तो मीरा जो है सानिया का हाथ पकड़ती है और डैड के रूम से बाहर आ जाती है। जब वहाँ आती है तो वो पुलिस से बात करती है, वो कहती है क्या है सच में ये सुसाइड अटैम्प्ट थी? वो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वहाँ के कैदियों ने इस पर हमला किया जब उन्होंने आपको न्यूज़ में बात करते हुए सुना। तो वो कहती पता ही था ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। तो उसके बाद सानिया कहती है कि घर चलें, मीरा कहती है हाँ ठीक है। तो ये दोनों घर जा रहे होते हैं तभी सामने से जोया आती है और सानिया फ़ौरन से छुप जाती है। वो कहती है शिट अगर जोया ने मुझे ऐसे देख लिया तो सानिया एकदम छुप जाती है। मीरा कहती है सानिया कहाँ गई? जोया कहती है क्या कुछ बोला आपने? तो वो कहती है नहीं। तो पीछे से देखती है कि सानिया छुपी हुई है, मीरा को इशारा करती है आप जाओ मैं आ जाऊँगी। मीरा जोया के साथ गाड़ी में बैठती है और ऑफिस को चले जाती है, वहाँ कुछ काम वगैरह देखना होता है। और ऐसे 3-4 दिन गुजर जाते हैं और मीरा जो होती है वो हर तरफ अनाउंस कर चुकी होती है अपनी इंगेजमेंट के बारे में, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं होता मीरा की इंगेजमेंट हो किसके साथ रही है। और सबको इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन मीरा की इंगेजमेंट होती है। सारे गेस्ट आ चुके होते हैं और मीरा जो है वो अच्छे से रेडी हो रही होती है। जब वो नीचे आती है तो हर तरफ बस शोर मच जाता है, सारे मीरा की पिक्स लीक करने लग जाते हैं। वहाँ पे न्यूज़ वाले भी आए हुए होते हैं, रिपोर्टर्स भी आए होते हैं, वो सारे जो है वो लोग भी मीरा की पिक्स ले रहे होते हैं। मीरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो जब नीचे आती है ना तो सबकी नज़रें उससे हट ही नहीं रही होती। तभी मीरा की मोम जो होती है वो स्टेज पे खड़ी होती है और अनाउंस करती है, कहती है कि जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि आज मेरी बेटी की इंगेजमेंट है। तो सब सारे चिल्लाते हैं हाँ हमें पता है, लेकिन किसके साथ है प्लीज़ बता दो, अब वेट नहीं हो रहा। तो मीरा की मोम कहती है कि हाँ हाँ पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है। आप सबको पता ही है मीरा की ट्विन सिस्टर है और आज वो आप सबके सामने आने वाली है। तो सब बहुत एक्साइटेड होता है, वाओ हमें वेट नहीं हो रहा, हमें देखना है कौन है मीरा की बहन। मीरा कहती है हाँ हाँ आप सबको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरी इंगेजमेंट होगी। तो मीरा ऐसे बोल के अनाउंस करती है लव ऑफ माई लाइफ प्लीज़ अब नीचे आ जाओ, और वेट नहीं हो रहा ना मुझसे ना ही ऑडियंस से। तो मीरा ऐसे बोल के ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखती है और सबकी नज़रें ऊपर जम जाती है। तभी वहाँ पर अवनी जो होती है वो ऐसे अपना गाउन संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और सब हैरान हो जाते हैं, धड़ाधड़ सब पिक्स क्लिक करने लग जाते हैं और सब शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे ही अवनी स्टेज पे आती है मीरा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ये है वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और इसी से आज इंगेजमेंट करने वाली हूँ। तो सब ये क्लैपिंग करने लग जाते हैं, लेकिन साथ साथ सब बहुत हैरान भी हो जाते हैं। मीरा कहती है हैरान हो गए ना देख के कि एक लड़की के साथ इंगेजमेंट करी है, अरे यार अमेरिका के लोग भी ये सोचेंगे तो हम बेचारे कहाँ जाएंगे। आप लोगों को तो पता ही है प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई जेंडर होता है, प्यार तो बस प्यार होता है जो दिल से होता है। और हो गया, मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं इससे। इसका नाम मीरा है, आप में से ज़्यादातर लोग तो इसे जानते ही होंगे और ये मेरी लाइफ पार्टनर। तो मीरा ऐसे बोल के उसके घर पर किस करती है और हमने उसे देख के स्माइल करती है। और तभी मीरा जो होती है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, वो उसे रिंग देती है और मीरा नीचे बैठ के अपने के हाथ पे वो रिंग पहनाती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। तो अवनी उसे ऊपर उठाती है और उसे किस करती है। उसके बाद अवनी जो है वो भी उसे रिंग पहनाती है और ये दोनों जो होते हैं ऐसे अपने हाथ ही सामने करते हैं और काफ़ी सारी पिक्स क्लिक करवाते हैं। तो सारे कहते हैं मैम ये तो हो गया, लेकिन अब आपकी सिस्टर कहाँ है, उससे भी पर्दाफाश कर ही दो ना, बोर वेट नहीं हो रहा। और तभी जोया चिल्लाती है हाँ मैम प्लीज़ अब तो बता दो आपकी बहन कौन है, भाई अब तो मुझसे भी वेट नहीं हो रहा ये जानने को कि मेरी न्यू बॉस कौन होगी। तो तभी मीरा जो होती है वो कहती अच्छा बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। हाँ तो मीरा कहती अरे यार अब तुम आ भी जाओ इन लोगों को और वेट मत करवाओ। तो सब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं कि वो वहाँ से आएगी। तो मीरा कहती आ वो यहाँ से नहीं वो ऊपर से आएगी। तो मीरा ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे मतलब बहुत ही प्यारा सा चांद सा बना होता है, उसके ऊपर सानिया बैठी होती है लेकिन उसने फेस पे मास्क लगाया होता है। जैसे वो नीचे उतरती है तो बहुत सुंदर लग रही होती है, सब उसकी पिक्स ले रहे होते हैं। लेकिन तभी एक रिपोर्टर कहता है मैम लेकिन इनके फेस पर मास्क क्यों है, प्लीज़ इसे रिमूव करो ना, हमें इनका चेहरा देखना है। मीरा कहती देखने से पहले थोड़ा गहरी सांस लो, ये ना वो देखते ही चक्कर आ जाए। वो कहती अरे मैम ऐसा क्या है आपकी बहन के फेस को, अब तो हमें भी देखना है। तो मीरा ऐसे सानिया की तरफ देखती है कहती हो जाए फिर। तो सानिया बोलती हाँ। तो सानिया मास्क उतारती है, जैसे उतारती है सबके आगे फटी रह जाती है क्योंकि भाई एकदम डिटो कॉपी होती है ये। तो मीरा कहती है कि ये है मेरी बहन सानिया, मेरी बिजनेस पार्टनर। तो सारे हैरान हो जाते हैं, कहते वॉट सानिया। तो मतलब जोया को तो यकीन ही नहीं होता, सानिया तो वो पहचानी नहीं जा रही थी कि ये सानिया है, उसे बस नाम से पता चलता है कि ये सानिया है। उसके बाद मीरा कहते हैं कि आप सबको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल एम्प्लॉय है, कोई नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं है, ये बॉस है आप सबकी, समझे, सानिया मैम बोलो। तो सारे कहते ओके सानिया मैम, वाओ हमें यकीन नहीं हो रहा। तभी सानिया की नज़र जोया पे जाती है, जोया जो है वो सानिया को देख के एकदम शॉक्ड होती है। सानिया से स्टेज से नीचे उतरती है, वो जोया के पास जाने लगती है। जैसे वो जोया के करीब जाती है, जोया जो है वो घर से बाहर निकल जाती है और सानिया उसके पीछे भागती है, कहती जोया वेट। तो जोया रुक जाती है और पीछे टर्न होती है, कहती जी सानिया मैम बोले। तो सानिया उसके पास आती है, कहती क्या मैम, जोया कहती हाँ अब मैम है, मीरा मैम की बहन है, मेरी न्यू बॉस तो मैम ही हुई ना मेरी। तो सानिया बती क्या मैं सिर्फ मैम हूँ, जोया बती तो सानिया कहती इधर देखो मेरी तरफ, क्या मैं हमारे रिश्ता सिर्फ मैम तक है, जोया कहती तब पता नहीं था, सॉरी अब मेरी मैम ही हूँ। तो ऐसे बोल के सानिया लगती है, सानिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती अच्छा मैम को कौन किस करता है, हाँ जोया कहती तब पता नहीं था ना, पता होता तो कभी किस ना करती। तो जाने लगती है, सानिया फिर से उसका हाथ पकड़ती थी, वेट प्रॉब्लम क्या है, हाँ अगर मैं बॉस हूँ तो उससे प्रॉब्लम है, सिर्फ बॉस से प्रॉब्लम है, ठीक है मैं कभी भी ऑफिस ज्वाइन नहीं करूँगी, ओके। जोया कहती है इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी कि आप मेरी बॉस हो, मैं सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। और आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, आपने मुझे इतने बड़े धोखे में क्यों रखा। सानिया बोलती क्योंकि मेरी जान को खतरा था, मुझे अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपानी थी, आई एम सॉरी इसलिए तुम्हें भी नहीं बता पाई मैं। जोया कहती तो क्या आपको लगा मैं आपके लिए वो खतरा हूँ जो आपने मुझसे सब छुपाया। सानिया बोलती आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दो सानिया ऐसे बोल के जोया के फेस को टच करती है और जोया पीछे हो जाती है और ऐसे हाथ आगे करती है, कहती रहने दे प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। तो सानिया कहती है कि क्या बोल रही हो तुम, याद नहीं है तुमने मुझे किस किया था। जोया बोलती भूल जाए वो सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच। तो जोया फिर से जाने के लिए मुड़ती है लेकिन सानिया उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे फिर से किस करती है और जोया से सानिया को पुश करने की कोशिश करती है पीछे की तरफ, लेकिन सानिया इतने कस के उसे पकड़ रखा होता है, उसे किस कर रही होती है कि जोया पीछे हो ही नहीं पाती। और उसके बाद जोया भी गुस्सा थूक देती है, वो भी उसे किस करने लग जाती है और किस करके जैसे वो पीछे होती है जोया की आँख में आंसू होते हैं और कहती है आई एम सॉरी, ये आपने क्या किया, ये नहीं हो सकता, अब मेरी बॉस हो। सानिया कहती तो क्या हो गया, अरे प्यार ये सब नहीं देखता। जोया कहती लेकिन आपकी फैमिली कभी नहीं मानेगी, मीरा मैम भी कभी नहीं मानेंगी, वो मुझे गलत समझेंगी, आई एम सॉरी बट हमें हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म करना होगा, अगर मुझे पहले पता होता है आप कौन हो तो मैं आपसे कभी प्यार नहीं करती। सानिया बोलती हो हेलो, प्यार ना कलर से होता है ना हैसियत से होता है, प्यार दिल से होता है, तुमने मुझसे प्यार तब किया जब तुम्हें पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, हाँ तो पता चल गया तो छोड़ के जा रही हो। तो जोया कहती लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सानिया कहती ऐसे नहीं करेगा, सबके ऐसी की तैसी, सबको करना होगा। तो सानिया ऐसे जोया का हाथ पकड़ती है और कहती चलो मेरे साथ। जोया कहती छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, लेकिन सानिया उसकी बात नहीं मानती और उसे वापस अंदर पार्टी में लेके आती है, जैसे से लेके आती है। सब इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और सानिया की पिक्स ले रहे होते हैं। सबका फोकस वैसे भी सानिया और मीरा पे ही होता है और सानिया जो है वो जोया को लेके सीधा स्टेज पे चढ़ जाती है। सारे हैरान हो जाते हैं। सानिया की मम्मी कहती है तुम क्या कर रही हो और इसे क्यों लेके आई हो। सानिया कहती है मम्मा मुझे आपको कुछ बताना है। तो ऐसे बोल के माही पकड़ लेती है, कहती है मुझे आप सबको कुछ बताना है। मीरा और मैं ट्विंस हैं, हम दोनों के लिए शायद इसीलिए हम दोनों की फीलिंग्स भी सेम है और हम दोनों को प्यार भी सेम हुआ। अरे अरे घबराओ मत, प्यार हुआ एक लड़की से नहीं 2 अलग लड़कियों से। तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं, कहते क्या आपको भी एक लड़की की से प्यार हुआ। तो एक रिपोर्टर कहता है क्या यार मुझे आपसे प्यार हो गया, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। आसानी होती है, आई एम सॉरी लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। तो सारे कहते हैं किससे प्यार करती हूँ। तो सानिया ऐसे अपनी मोम की तरफ देखती है, कहती मोम बता दूँ। तो उसकी माँ से हाँ में सर हिलाती है। तो सानिया जो है वो जोया का हाथ पकड़ती है, कहती मैं इससे प्यार करती हूँ। जोया मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो सारे हैरान हो जाते हैं, कहते मैम लेकिन ये तो आपकी बहन की सेक्रेटरी। कहती हाँ तो क्या हो गया, प्यार ऐसे ऐसे नहीं होता, दिल से होता है। और मैं इस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन इसे लगा कि मैं अमीर हूँ तो इसे छोड़ दूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोया मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, तुम जो हो बस मेरी हो। तो सानिया ऐसे बोल के सबके सामने जोया को लिप्स पे किस कर देती है। हाय सब पिक्स लेने लग जाते हैं और सानिया की मम्मा दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। मीरा सानिया का हाथ पकड़ती, कहती क्या कर रही हो। सानिया बोलती ओ सॉरी कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो उसके बाद ये चारों हंसने लग जाते हैं। सो फाइनली सबको उनका प्यार मिल गया होता है। मीरा को उसका प्यार मिल गया, उसकी माँ मिल गई, उसकी बहन मिल गई, उसको उसकी पूरी फैमिली मिल गई। और क्या चाहिए। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आप लोग को ये लास्ट पास्ट कैसे लगा और पूरी इनकी स्टोरी कैसी लगी यार, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मतलब इतने कंजूस हो, सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हो। अब याद दिला लिया ना तो जल्दी से कर लो। और मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। विद इन टाटा बाय बाय।